फिल्म कलंक पिछले काफी लंबे समय से सुर्खियों में थी। फिल्म का हर जगह जबरदस्त प्रमोशन चल रहा था, लेकिन फिल्म अब रिलीज हो चुकी है। कच्ची कहानी और कमजोर किरदार के चलते मशहूर फिल्म निर्माता करण जौहर की साल की दूसरी फिल्म कलंक बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ती नजर आ रही है। बम्पर ओपनिंग के बाद भी फिल्म का कलेक्शन लगातार गिर रहा है। 4000 स्क्रीन्स और 5 दिन के लंबे वीकेंड में कलंक ने सिर्फ 66.3 करोड़ का कलेक्शन ही किया। फिल्म की कमाई से न सिर्फ फिल्म के निर्माता बल्कि निर्देशक और कलाकार भी निराश हैं। वहीं कलंक के गिरते कलेक्शन के बीच फिल्म में रूप का किरदार निभा रही एक्ट्रेस आलिया भट्ट का जवाब सामने आया है। आलिया भट्ट ने कहा, जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत है। मैं अपनी फिल्म का समीक्षा नहीं कर सकती क्योंकि इसके लिए जनता है। अगर जनता को फिल्म पसंद नहीं आई तो ये जाहिर सी बात है कि फिल्म अच्छी नहीं होगी। इस बात को हमें स्वीकार कर आगे बढ़ना चाहिए और अगली बार बेहतर प्रदर्शन कर दर्शकों की उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि फिल्म के गिरते कलेक्शन के बीच फिल्म में उनकी एक्टिंग की तारीफ हो रही है। धर्मा प्रोडक्शंस की नई फिल्म कलंक को इसके मेकर्स ने शुक्रवार की बजाय महावीर जयंती और गुड फ्राइडे की छुट्टियों का फायदा उठाने के लिए बुधवार को रिलीज किया था। फिल्म के विशालकाय कैनवस और इसमें शामिल बड़े सितारों को देखते हुए फिल्म को पहले दिन बम्पर ओपनिंग मिली और इसने पहले ही दिन 21.60 करोड़ रुपए कमाकर नया रिकॉर्ड बना लिया। दूसरे दिन फिल्म ने 11.45 करोड़, तीसरे दिन 11.07 करोड़ और चौथे दिन 9.75 करोड़ और पांचवे दिन 11.63 करोड़ रुपए का कारोबार किया। पूरा वीकेंड और अकेली बड़ी फिल्म होने के बावजूद फिल्म ने केवल 66.03 करोड़ की ही कमाई की। वहीं दूसरी तरफ दर्शकों को फिल्म कलंक खासी पसंद नहीं आ रही है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला.com।